हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तो पंजाब न्यूज़ चैनल दे विच। ते मैं हाँ तरसेम सिंह मठाड़ू, तो हर रोज़ की तरह गल्लबात करांगे अज दे दिन दीआं वड्डीआं खबरां दी। कृपा करके जिन्होंने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब जरूर कर लैन, ते नाल ही जे वीडियो चंगी लगी तां वीडियो नूं लाइक जरूर कर देना। ते गल्लबात करदे हां जी अज देश दुनिया दीआं वड्डीआं खबरां दी। ते खबरां शुरू करन तों पहले एक बार नज़र मार लैंदे हां चुनवीआं खबरां ते। पहली चुनवी खबर है जी कि पंजाब च घरेलू यात्रियों लिए 14 दिनों का लाजमी क्वारंटाइन निजम खत्म। करोना संकट दौरान अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल उडाना 31 जुलाई तक सरकार ने लाई रोक। मोदी ने लेह दौरे तो भड़किया चीन, चढ़ के दिता वड्डा बयान। इन्हां सूबिआं ने 31 जुलाई तक वधाया लॉकडाउन, इस शहर अज तो हुए कंप्लीट लॉकडाउन। वैदर अपडेट, तापदी धुप के मद्देनजर विगड़ेगा मौसम, इन्होंने सूबों में भारी बारिश का अलर्ट होया जारी। सरों का खुला तेल वेचने वाले सावधान, लखां के जुर्माने समेत जाना पवेगा जेल। करोना के एक्टिव केसा के मामले तीजे नंबर पर पुज्या भारत। बहस दियां कोशिशां लियाईयां रंग, मस्कट तो सैकड़े व्यक्ति पुजे भारत। भारत सरकार मूहरे झुकिया, टिकटॉक कई नियमों मुताबक करनगे काम। सरकारी स्कूलों में पढ़ते विद्यार्थियों के इम्तिहानों की डेटशीट च तब्दीली। देश में लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड, यह है राशन कार्ड बनाने का नियम। आज तो खुल जाएगा जिमखाना क्लब का एक रेस्टोरेंट, रात 9 बजे तक मिलेगी सहूलत। तो दोस्तों ऐसी अपन समय दुनवीं खबर, तो हम गलबात करते हैं जी पहली वही खबर की। पंजाब च घरेलू यात्रियों लिए 14 दिनों का लाजमी क्वारंटाइन नियम खत्म। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों ये जानकारी दी गई है कि अगले हफ्ते तो तेजी नाल एंटीजन जांच लई पायलट प्रोजैक्ट नूं अगे वधाया जा रहा है। इसके चलते उन्होंने ये भी जानकारी दी कि घरेलू यात्रियों लिए 14 दिनों की लाजमी क्वारंटाइन नियम नूं खत्म कर दिता गया, जबकि सड़क राही आने वाले लोगों नूं ई रजिस्टर करना जरूर पवेगा। अगली वड्डी खबर है जी कि करोना संकट दौरान अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल उडाना 31 जुलाई तक सरकार ने लाई रोक। करोना संकट विचकार भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल उडाना से पाबंदी होर अगे वधा दिती है। हुण यह प्रतिबंध 31 जुलाई 2020 तक कमर्शियल उडाना से लगाई गई है। इस तो पहला अंतरराष्ट्रीय उडाना यह रोक 15 जुलाई 2020 तक लगी हुई सी, तो हुण सरकार ने वधा के 31 जुलाई तक कर दिती है। तो DGCA के एक आदेश मुताबिक करोना संकट कारण इन्होंने उडाना से लगी रोक में 31 जुलाई तक वधा दिता गया है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय कारगो और DGCA वालों छोड़ दी गई उडाना से यह नियम लागू नहीं होगा। अगली वड्डी खबर कि मोदी के लिए दौरे तो भड़किया चीन, चिड़ के दिता वड्डा बयान। जी हाँ दोस्तों, इस वेले की वड्डी खबर है जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे तो चीन चिड़ गया है। प्रधानमंत्री दौरे पर प्रतिक्रिया जाहिर करते चीन विदेश मंत्रालय के बुलारे ने कहा कि दोवें धिरों नूं अजिहा कुछ नहीं करना चाहिए जिस नाल दोवें देशों के दरम्यान माहौल बिगड़ जाए। तो चीनी विदेश मंत्रालय के बुलारे चाओ लीजियन ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि भारत ते चीन की सरहद के तनाव नूं घट कर ले सैनिक ते कूटनीतिक चैनल राही गलबात जारी है। तो इस समय किसी भी धिर नूं कुछ नहीं करना चाहिए जिस नाल दोवें देशों दरम्यान होर तनाव बढ़े। अगली वड्डी खबर कि इन सूबों ने 31 जुलाई तक वधाया लॉकडाउन, ये शहर अज तो हुए कंप्लीट लॉकडाउन। करोना महामारी विचकार टोटल लॉकडाउन तो बाद हुण केंद्र सरकार ने सूबे च रियायत देने का सिलसिला शुरू कर दिता है। इस कड़ी च अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है, तो इस विच भी लगातार रियायत का दायरा वधाया जा रहा है। हालांकि कुछ इलाकों जिथे रात का करफ्यू लागू सी उन्होंने खेतर शुक्रवार तो कंप्लीट लॉकडाउन लागू कर दिता गया। इन्होंने आसाम, पच्छमी बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक अगे वधा दिता, पर कुछ शहर अजिहे भी ने जिथे अज तो ही कंप्लीट करफ्यू लागू कर दिता गया। महाराष्ट्र पनवेल, नवी मुंबई, उलासनगर, उत्तर प्रदेश बलिया आदि शहर करफ्यू लगा दिता गया है। अगली वड्डी खबर है जी, वैदर अपडेट, तापदी धुप के मद्देनजर बिगड़ेगा मौसम, इन सूबे च भारी बारिश का अलर्ट होया जारी। देश के कई सूबों च चंगी बारिश हुई है, पर उत्तर भारत के सूबे च कई थाएं ते बारिश नहीं हुई। तो राजधानी दिल्ली में बहुत बारिश हुई, पर नाल लगते NCR कुछ शहरों में खुल के
बारिश नहीं हो सकी, जिस कारण अजे भी गर्मी नाल हालात खराब ने। इस दे नाल जी जे मौसम विभाग की मनीए तो जल्द ही मौसम एक बार फिर खराब हो जाएगा तो बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत मौसम विभाग मुताबिक कई सूबों के बहुते शहरों में अगले कई दिनों तक मीह पै सकता है। इस नाल किधरे मीह पैन की भविखबाणी भी की गई है। कोकण गोवा उप हिमालयन पछमी बंगाल सिक्किम केंद्रीय महाराष्ट्र पूर्वी मध्य प्रदेश बिहार आसाम मेघालय तटी आंध्रा प्रदेश और यनम तट कर्नाटक गुजरात खेत्र उत्तराखंड पंजाब सौराष्ट्र कच्छ छत्तीसगढ़ गुजरात में भारी बारिश की भविखबाणी की गई है। उधर पूर्वी राजस्थान से हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब विदर्भ छत्तीसगढ़ बिहार में भी जी काफ़ी गज चमक नाल जी बारिश पैन की संभावना अगले 24 घंटे तक दर्शाई गई है। अगली वड्डी खबर है जी कि सरों का खुला तेल वेचने वाले सावधान, लखां दे जुर्माने सहित जाना पै सकता है जेल। करोना आत दौरान सरकार भोजन सुरक्षा प्रति सुचेत हो गई है ते केंद्रीय खुराक मंत्रालय ने सारे सूबे नू निर्देश दिता कि खुला सरों का तेल या कोई होर तेल वेचण वाले विरुद्ध सख्त वार कार्रवाई की जा सकती है। तो सूबे नू दस्या गया कि खुले खाने वाले तेलों की विक्री ते पहला ही पाबंदी लागू है, पर इसके बावजूद इन तेलों की विक्री जारी है। इसलिए इस रोकने लिए संबंधित अधिकारियों जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जे कोई खुला तेल वेचदा फड़िया गया तो उसनू काफ़ी जुर्माना हो सकता है, 2 साल की जेल भी हो सकती है। अगली वड्डी खबर है जी कि करोना के एक्टिव केसों के मामले तीजे नंबर पर पुज्या भारत। देश दुनिया में करोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में शुक्रवार को पहली बार एक दिन में करोना के 20,903 नवे केस सामने आए, जबकि 379 लोगों की जान चली गई। इस बाद देश में कुल केसों की गिनती 6,27,000 तो टप गई। इन 2,29,041 एक्टिव केस ने। भारत करोना के कुल मामलों में दुनिया के चौथे नंबर पर है, पर एक्टिव केसों के मामले हुण तीजे नंबर पर पहुंच गया। तो करोना के कुल केसों के मामले में अमरीका पहले स्थान पर है, जिथे मरीजों की गिनती 2,83,199 पहुँच गई। तो एक्टिव केसों के मामले में भी अमरीका पहले स्थान पर, जिथे एक्टिव केस 15,14,613 ने। दूजे स्थान पर ब्राज़ील है जी। तीजे स्थान पर भारत पहुँच गया, जिसका अंकड़ा है जी 2,29,041 जिहड़ा इस समय का ताज़ा अंकड़ा दर्ज किया गया, जिथे 225 मरीजों की जिहड़ी मौत हो चुकी है ते 3,79,902 लोग ठीक भी हो चुके ने। अगली वड्डी खबर है जी कि बहस दीयां कोशिशां लियाईयां रंग, मस्कट तो सैकड़े व्यक्ति पुजे भारत। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस वालों की गई कोशिशों कारण मस्कट में फसे 100 तो वधेरे भारतीय अपने देश पुज गए ने। ते कोट मंगल सिंह विखे पत्रकारों को जानकारी देंदे हुए विधायक बैंस ने दसिया कि मास्कट च तालाबंदी दौरान भारत के करीब 100 तो वधेरे व्यक्ति फसे हुए सन, जबकि ये सारे भारत तो रोजी रोटी कमाने लई मास्कट च गए सन। तालाबंदी कारण इन्हां व्यक्तियों उत्थों दीयां कंपनियां वालों काम तो जवाब दे दिता गया। ये व्यक्ति कुछ चिर तो गुजारा करते रहे, पर जदों इन्हां कोल खाण लई राशन पानी भी खत्म हो गया तो इन्हां चों कुछ पंजाब दे लुधियाना जलंधर हरियाणा के रहने वाले 6 लोगों ने साडी पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज प्रदीप सिंह बंटी राही मेरे तक पहुँच की। विधायक बैस ने दसिया कि उन्होंने संबंधी पूरी जानकारी लैन तो बाद तुरंत मस्कट अंबेसी समेत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी गई। इस तो बाद जो पूरी जानकारी निकली तो उतों 6 नहीं सगों 100 के करीब वध व्यक्ति फसे हुए सन, जिस तो बाद मस्कट के हाई कमिश्नर वालों किए गए प्रबंधा कारण 100 तो वधेरे व्यक्ति कल ही भारत पुज गए ने। अगली वड्डी खबर है जी कि भारत सरकार मूहरे झुकिया, टिकटॉक कहा नियमों मुताबिक करांगे काम। भारत सरकार ने हाल ही चीन को झटका देते हुए टिकटॉक ऐप समेत 59 चीनी ऐप से पाबंदी लगाई सी, जिस तो बाद ही कई रिपोर्ट्स सामने आई सन जिन्हों में कहा जा रहा है कि टिकटॉक जल्द बैन विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि हुण टिकटॉक ने सरकार वालों लगाए गए बैन विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की खबर को सिरे तो खारिज कर दिया है। नाल ही टिकटॉक के बुलारे ने कहा कि साड़ी सरकार के आदेश से कानूनी कार्रवाई करने की कोई योजना नहीं, ऐसी सरकार के नाल मिल के काम करना चाहते हैं। तो टिकटॉक इंडिया के हैड निखिल गांधी ने हाल ही कहा कि सरकार ने 59 ऐप से पाबंदी लगाई है, जिन्हें टिकटॉक भी शामिल है। तो असं इस पाबंदी के लिए सरकार नाल जल्द ही गल करने वाले हाँ। तो टिकटॉक हमेशा इस तरह डाटा के प्राइवेसी सुरक्षा लैके प्रतिबंध हैं, तो असं भारतीय यूजर का
डाटा चीनी जां किसे होर सरकार नाल सांझा नहीं करदे। इस लई सरकार नाल मिल के काम करांगे ते टिकटॉक ते लग्या होया बैन जल्दी ही दोबारा खोल दिता जाएगा। अगली वाली खबर जी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते विद्यार्थियों के इम्तिहानों लई डेटशीट च तब्दीली। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब के संबंध में सरगर्मिया के मद्देनज़र पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ते विद्यार्थियों का 2 मास्क मुलांकन करने ऑनलाइन टैसट वास्ते जारी की डेटशीट में तब्दीली कर दी। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग के एक बुलारे ने दसिया कि COVID-19 के मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र 6वीं तो 12वीं जमात के विद्यार्थियों का सबजैक्टिव टैसट टीचर स्टूडेंट वट्सएप ग्रुप राही ऑनलाइन लिया जाएगा, पर इसकी डेटशीट में तब्दीली कर दी गई है। जबकि गौरतलब है कि 6वीं तो 12वीं अप्रैल तो मई तक का 2 मास्क सिलेबस टीवी चैनल जूम क्लासा PDF असाइनमेंट राही पहला ही भेजा जा चुका है। अगली वड्डी खबर है जी कि देश में लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। यह है राशन कार्ड बनवाने का नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने की गल कही। तो वर्तमान में यह स्कीम 20 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया। तो अजिहे देश में जिन्हों को राशन कार्ड नहीं है उन्होंने लोगों लिए बेहतर मौका है तो वो जल्दी तो जल्दी अपना राशन कार्ड बनवा लैन। राशन कार्ड राही दुकानों तो कणक चावल आदि बाजार मुल तो बेहद घट कीमत खरीदे जा सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में हुणे ही पुराने कार्ड तो ही राशन मिल रहा है। तो केंद्र सरकार पहला ही साफ कर चुकी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने तो बाद भी पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा। जिस राज में तुसीं रहिंदे हो तो उस राज के नेड़े जन सुविधा केंद्र से जाके अपना राशन कार्ड बनवा सकते हो। तो इतने ऑनलाइन राशन कार्ड अपलाई हुंदा है, तुसीं चाहो तो खुद भी ऑनलाइन अपलाई कर सकते हो। किसी व्यक्ति लई राशन कार्ड लेना भारत का नागरिक होना लाजमी है, व्यक्ति को किसी होर राज का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। अगली वड्डी खबर जी कि अज तो खुल जाएगा जिमखाना क्लब डेक रेस्टोरेंट, रात 9 बजे तक ही मिलेगी सहूलत। कोरोना वायरस की दहशत कारण जलंधर जिमखाना क्लब पिछले लगभग 3 महीनों तो बंद पिया हुआ है। तो चाहे अनलॉक प्रक्रिया तहत सरकारी हदायत अनुसार क्लब च लॉन टेनिस, बैडमिंटन, शकवास और टेबल टेनिस वर्गियां गेमां दोबारा शुरू कर दित्तियां गईआं हन, परंतु इन्हां गेमां च हिस्सा लैण लई बहुत ही घट क्लब मैंबर आ रहे हैं। तो अजिहे च हुण जिमखाना क्लब ने अपने परिसर च कैटरिंग सहूलत शुरू करन दा फैसला कीता, जिस कारण क्लब के एक रेस्टोरेंट नूं खोलिया जा रहा। तो क्लब सैकटरी तरुण सिक्का ने दस्सिया कि इस प्रक्रिया दौरान भी करोना वायरस नाल संबंधित सारे निर्देशों ते नियमों की पालना करनी होवेगी और मैंबरां कोलों भी यही उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों ये सीगियां अज्ज दीआं अपनीआं दिन दीआं ताज़ा वड्डीआं खबरां। साडे बारे च जानकारी तुहानूं किदां दी लगी सानूं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, तो असीं हाजर होवांगे तुहाडे लई होर खबरां लैके। हुंदे लई